गवाही सुनेंगे। अपोस्तल जी हमारे पास बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है। सिस्टर जी बोल रहे हैं कि इनके हस्बैंड को एक साल से कैंसर हो गया था, उनके पूरे पेट में कैंसर फैल गया था और कोई भी इलाज नहीं हो रहा था, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। 6 महीनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, जब खाते थे तो उनके पेट में बहुत ज्यादा पेन होती थी, इसलिए 6 महीनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और अभी टेस्टिमनी लेके आए हैं कि उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, कैंसर उनको छोड़ के जा चुका है। मैं जिसको पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। अपोस्तल जी आप फोटो में देख सकते हो अंकल जी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। ये भाई जिसकी फोटो आप देख रहे हो, ये प्रभु से बड़ा प्यार करता है। ये भाई की फोटो देख रहे हो, इनके हस्बैंड, ये प्रभु से बड़ा प्यार करते हैं। मैंने कम से कम 4 बार इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की है, 4 बार मैंने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की है। डॉक्टरों ने इनको कैंसर डिक्लेयर किया था और जितना डॉक्टरों ने टाइम दिया था कि ये मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने रास्ते खोले हैं, ब्लेसिंग दी है, आज वो जिंदा है और खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। सारे जय मसीह दी। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का शुक्र कर दी हाँ कि मेरे साथी नूं बार बार प्रभु बचा लिंदा। 10 ऑपरेशन हो गए उन्होंने, तो हूँ जब ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने दसता तो भी कैंसर आता, असं उन्होंने दसिया नहीं, फिर डॉक्टर ने दसता भी कैंसर आता, उन्होंने घबरा गए। मैं घबराना नहीं, प्रभु साढ़े नाल है, साडा जिंदा डॉक्टर साढ़े नाल है, मैंने विश्वास तक है प्रभु सानू कुछ नहीं होने दिता। मेरा इन्ना बड़ा विश्वास है कि मुरद्या भी प्रभु जिंदे कर दिता। सच मुच एक मुर्दा लाश सी, 8 महीने तो कुछ भी नहीं था खाधा उन्होंने, हूँ अज भी 2 रोटियां खाधी उन्होंने सवेरे, कहना मैंने भुख लगती है, हूँ खुल के हूँ मैं रोटी खाई है, कहता दोपहर में भी खा लेंदे, सवेरे भी खाते, शाम को भी खा लेंदे। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का शुक्र करती हाँ। जो रिपोर्टा हुई वो कहते बिल्कुल कैंसर खत्म हो गया। मैं जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा, सब गाएंगे पवित्र आत्मा, छू छू अपनी बेटी को, छू होली स्पिरिट, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच, थोड़े घर च बरकत आ गई, ताली बजाओ प्रभु लई जोर नाल। अगली गवाही सुना के परमेश्वर की महिमा ली। अपोस्तल जी हमारे पास बहुत बड़ी गवाही आई है, अभी आप घोषणा कर रहे थे प्रार्थना में कि आपके जहां कहीं भी दर्द हो रहे हैं वो जा रहे हैं। भाई बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से इनके सर में दर्द था, इनकी पीठ में दर्द था, लेकिन अभी जैसे इन्होंने आपकी फ्राइडे प्रेयर को रिसीव किया और अभी यहां पर जब आए आपने घोषणा की, घोषणा को रिसीव किया, भाई बता रहे हैं मेरे पीठ का दर्द, मेरे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। अगली गवाही हाँ। अपोस्तल जी सिस्टर जी बोल रहे हैं कि काफी सालों से इनकी छाती में बड़ी बड़ी गांठें थी और आज चंगाई सभा में ये आए हैं आपकी प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर के द्वारा गिल्टी गांठ गायब हो चुकी है। बड़े कंब होंगे आज पाखरु दे बड़े बड़े कंब होंगे। बोलो हालेलुया। कितने टाइम से गिल्टियां थी सर? मेरे कई साल आज हो चुकी हूँ। अच्छा हाँ जी। अभी प्रेयर के बाद क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं रहा, गिल्टियां खत्म हो गई। हाँ चेक किया? हाँ जी किया। आपने चेक किया? हाँ जी किया। खत्म हो गई? हाँ जी। ताली बजाओ जोर से परमेश्वर के लिए। अगली गवाही जी, जब आप डिक्लेरेशन कर रहे थे, आप प्रार्थना कर रहे थे, सिस्टर जी की अचानक दुष्ट आत्मा की वजह से सांस रुक गई, इनका सांस बिल्कुल बंद हो गया और हमारे वॉलंटियर्स ने बोला कि इनको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, लेकिन इनका विश्वास था कि मैं यही चंगी होंगी। आपकी प्रार्थना के बाद अभी अभी इनकी सांस वापस आई है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कर दिया। किसी को छूऊंगा अभी कर कर दूंगा, नाचते हो मैं किसी को छूऊंगा।
वसुदी हमारे पास बड़ी गवाही है। इस बहन की गवाही है कि एक साल से इन्हें स्किन एलर्जी थी, इनके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज्यादा स्किन एलर्जी हो गई थी। इन्होंने आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया और ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने फ्राइडे ऑनलाइन प्रेयर देखने के बाद और अभी की घोषणा को रिसीव करने के बाद अभी इनकी स्किन एलर्जी जो इनके शरीर पे थी, इनके प्राइवेट पार्ट में थी, बिल्कुल ठीक हो चुके यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर काम कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? Yes, सब विश्वास करते हैं। देखो बीमारियां ठीक हो रही है, प्रभु यीशु की महिमा है। ताली बजाओ जोर से प्रभु के लिए। अगली गवाही, अपोस्टल जी, सिस्टर की प्रेगनेंसी के दौरान पेट का गंदा पानी बच्चे के मुंह में चला गया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि यह बच्चा बचेगा नहीं, इसकी माँ को भी खतरा है, लेकिन प्रार्थना करवाने के बाद यह बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और प्रभु की हजूरी में टेस्टिमनी लेके आया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम। तारीफ करो। अगली गवाही, गॉड ब्लेस यू। जिसको पवित्र कर दूंगा मैं, जिसको छू लूंगा। आइए गवाही सुनेंगे। जी बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। सिस्टर बता रहे हैं कि इनके शोल्डर में और इनकी एक लेग में बहुत ज्यादा पेन था और इनकी पूरी साइड सुन रहती थी। ये इतने ज्यादा तकलीफ में थे, अलग अलग जगह से दवाइयां खा रहे थे, लेकिन अभी जब आपने घोषणा की कि आपके जिस हिस्से में भी दर्द हो रहा है परमेश्वर उसको छू रहा है और चंगा कर रहे हैं। बहन ने अभी रिसीव किया, आपकी घोषणा को रिसीव करने के बाद ये बता रहे हैं इनका शरीर पूरा हल्का हो चुका है और ये चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। ताली के साथ प्रभु की महिमा कर। बोलता है जिसे नाम से लंगड़े चलते हैं। आइए गवाही सुनेंगे। सिस्टर जी ने अपनी गवाही में लिखा है कि चार साल पहले इनके पेट में तीन बड़ी बड़ी पत्थरियां थी जो कि आपकी प्रार्थना के बाद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इनको काफी समय से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और ये बोल रहे कि जैसे ही मैंने चर्च एंटर किया मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी है। कितने टाइम से थी पत्थरियां? साल से थी। अच्छा, की होया प्रार्थना तो बाद? अब तो प्रार्थना के बाद वो ठीक हो गया। उसके अभी ठीक है बिल्कुल। तारीफ करो जोर नाल सारे। एक और कम होने के आज पाप रुके बटे बटे कम होने के आज पाप रुके नमे नमे कम होने के। आइए गवाही सुनेंगे। प्रॉब्लम थी सिस्टर जी कह रहे हैं कि जैसे ही चर्च एंटर होती थी तो मुझे दुष्ट आत्मा चर्च में नहीं बैठने देती थी और जैसे ही अभी प्रार्थना हुई सिस्टर जी बोल रहे कि मैं हेलो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी इस बहन को, आज परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से चंगा कर दिया। मेरे का चार दिन दुष्ट आत्मा पिंड गई सी मैं अपने ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਈ ਡੇਢ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੇਢ ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਬਲ ਚੱਕਿਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲੀ ਪਈ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਹਲੇ ਲੂਈਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਮੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਭੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਭੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਜਾ ਸਕਤੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੇਗੇ। ਬਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਸ ਆਇਆ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੇਗੇ। ਬਸ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਨ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ये एक पॉलिटिकल लीडर हैं बीजेपी के और इनकी गवाही ये है कि इनका बहुत ज़्यादा विरोध होना शुरू हो गया था और इनके घर को जितने भी रास्ते लगते हैं वो सारे के सारे रास्ते विरोधियों के वजह से बंद हो गए थे। इनके घर को कोई भी रास्ता जाने के लिए नहीं था, लेकिन जब इन्होंने चर्च मीटिंग को अटेंड किया, हमारी मिनिस्ट्री को रेमानेंस मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया, पोस्टल जी बता रहे हैं बींग अ लीडर इन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और इन्होंने कॉल सेंटर पर भी प्रार्थना कराई, आपकी ऑनलाइन घोषणाओं को सुना, परमेश्वर ने आपके वचन के द्वारा विरोधियों के मुंह को बंद किया और उनको शर्मिंदा किया, आज ये आनंद के साथ अपने घर में अपना जीवन बिता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जिन्होंने रास्ते बंद किए थे उन्होंने अब खोले यीशु मसीह के नाम से। राष्ट्रीय प्रभु की तारीफ करें। बहुत बड़ी गवाही है।
पास्टर जी सिस्टर जी अपनी गवाही में लिख रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से सुनो ये लड़की जो गई है अभी गवाही टोपी वाली लड़की बेटा भाग के आगे टोपी वाली लड़की भाग के सुनो परमेश्वर का आत्मा इधर मेरी तरफ देखो प्रभु का आत्मा कह रहे हैं तकरीबन 3-4 साल से तू किसी काम के लिए स्ट्रगल कर रही वो हुआ नहीं परमेश्वर तुझे एक पोजीशन देने के लिए जा रहा है पोजीशन और प्रभु के आत्मा ने मेरे अंदर डाला है एक्चुअली फर्स्ट जी मैं मेरा देश के लिए काम करना चाह रहा हूँ मेरे नेशन के लिए काम करना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ एंड मैं ऑफिसर बनने के लिए स्टडी कर रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 2022 में परमेश्वर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है और सुनो लाखों रुपए की आशीष खुदावंद कह रहा है तेरी खुलने के लिए जा रही है यीशु के नाम में आई वांट टू टच योर लेग बाद में जब ले हैंड होगी जा सकते हो बहुत बड़ी गवाही है बहन की खुदा ने इसे ब्लेस किया गवाही सुनेंगे हालेलुया अपोस्टल जी सिस्टर अपनी गवाही में लिख रहे हैं कि 6 महीने पहले इनकी रीढ़ की हड्डी से दर्द था और वो बिल्कुल गायब हो चुका है यीशु मसीह के नाम से तारीफ करो जोर से ताली बजा कर मैंने अभी बोला रीढ़ की हड्डी के दर्द जा रहे हैं देखो यीशु मसीह ने इनको छुआ और चंगा कर दिया आज जिन जिन को भी यीशु मसीह छू रहे सब चंगे हो रहे हैं मैं आपको बोल रहा हूं विश्वास की जरूरत है हाथ उठाओ और आमीन बोल दो चमत्कार हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में गवाही सुनेंगे अगली गवाही परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएं गवाही सुनेंगे हमारे पास बहुत बड़ी गवाही है बहन का नाम जगमीत कौर है और ये बता रही है कि 4 साल पहले इनके ऊपर 420 का केस पड़ गया था और ये बहुत ज्यादा परेशान थे लेकिन लगातार चर्च अटेंड करने के बाद आपकी प्रोफेसीज को रिसीव करने के बाद आपने कहा कि आपके कोर्ट केस कैंसिल हो रहे हैं और बहन बता रही है कि वो जो 4 साल पहले 420 का केस पड़ा था आपकी घोषणा से प्रोफेसी के द्वारा वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं तारीफ करो जोर से ताली बजाकर बहुत बड़ी गवाही गॉड ब्लेस यू गवाही सुनेंगे अपोस्टल जी सिस्टर जी ने अपनी गवाही में लिखा है कि 4 साल पहले इनकी बच्चेदानी में बहुत बड़ी रसौली थी जो कि आज प्रार्थना सभा अटेंड करने के बाद गायब हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा चमत्कार है ताली बजाओ चर्च जोर से हालेलुया कितने टाइम से थी 4 साल से थी कहाँ पर थी 4 बच्चेदानी च बच्चेदानी में थी हाँ जी 4 जी 4 हाँ जी बच्चेदानी में रसोलियां थी हाँ जी आप हाथ लगाती थी आपको महसूस होता था हाँ जी तब ठीक हुई आप हाँ जी दर्द होता सी गया अभी अभी ठीक हो गई हाँ जी आज हुई है ठीक हाँ जी है ठीक है जी ओह माय गॉड अमेजिंग 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 कितना बड़ा काम है ताली बजाओ जोर से परमेश्वर के लिए वो बोल रही है दर्द हो रहा था 4 रसोलियां थी दर्द हो रहा है अभी बोझ हल्का हो गया हल्का लग रहा है हाँ जी। कैसा लग रहा है अभी कैसे फील हल्का जी हल्का हो गया बिल्कुल हाँ तारीफ करो जोर से परमेश्वर के लिए ये यीशु मसीह के काम है ये यीशु मसीह की महिमा है गवाही सुनेंगे जी हमारे पास बहुत बड़ी गवाही है ये इंस्टेंट मिरेकल है अभी ये वो गवाहियां हैं जो अभी आपने घोषणा की है और लोग उठ के अपनी गवाहियां लिखवा रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है बहन की गवाही है कि 2 महीनों से लगातार इनके कमर में दर्द हो रहा था अभी आपकी घोषणा को रिसीव किया आराधना को अटेंड किया 2 महीने पुराना दर्द अब गायब हो चुका है यीशु मसीह के नाम से अगली गवाही गॉड ब्लेस यू बहुत बड़ी गवाही है नेक्स्ट जिसको छू लूंगा हमारे पास बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है और 7 तारीख वाले संडे को आपने प्रोफेसीज की थी कि आपके विजय आपके हाथों में है सिस्टर जी बोल रहे हैं कि मैं 2 सालों से ट्राई कर रही थी कि मेरा वीजा नहीं लग रहा था और सिस्टर जी कह रहे हैं कि 7 तारीख को जब मैंने रिसीव किया अपोस्टल जी की प्रार्थनाओं को मैंने रिसीव किया और 9 तारीख वाले दिन 9 नवंबर को इनका वीजा लग चुका है जब तक ना
बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डेट 7 को पास्टर जी आपने ऐसा बोला कि आप अपने हाथों कि आपके हाथों में वीजे आ चुके हैं, बस आप थैंक्स कीजिए। और मैंने उस प्रार्थना को, बहुत बीमार की हालत में थी मैं, और मैंने रिसीव किया। अगस्त मंथ से मैं ट्राई किया, अप्रैल के मंथ में मैं पासपोर्ट लेके आई, तो आपने ले हैंड किया। हाँ जी, डेट 9 को मेरा वीजा, अगर मेरी टिकट आ गई नेक्स्ट संडे, मेरी टिकट है परमेश्वर। बोलो हालेलुया। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है पास्टर जी, बहुत अच्छा। मैं 2 साल से मैं ट्राई कर रही थी और मेरा बन नहीं रहा था। 2 साल से ट्राई कर रही थी। आपकी हर एक प्रेयर को मैंने रिसीव किया पास्टर जी, हर एक प्रेयर को। डेट 7 को जो आपने बोला कि आपके हाथों में आपके वीजे आ गए और आप थैंक्स कीजिए, और मैंने रिसीव किया परमेश्वर के नाम में। डेट 9 आई गॉट माई वीजा। तारीफ करो, ताली बजाकर जोर से। ओ अज पा करू दे वटे वटे जी। ब्रदर बोल रहे हैं कि 4 साल से इनके पेट में बड़ी बड़ी गांठें थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा पेन होती थी। आज यीशु मसीह के नाम से वो गांठें गायब हो चुकी हैं। दे बटे कम हो गए, आज पाक रू दे बटे बटे कम हो गए। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। कितनी गांठें थी? बहुत सी सर। केड़ी जगह ते सी? बखियां दे विच। पहला तनु महसूस हुंदा सी? हाँ जी सर। हूँ कितना लग रहा? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं ये दसो, हाँ जी, जो तो चर्च आए सी तो है गया सी? हाँ जी। हूँ कितने गई? 8 दिन हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। इतने कौन काम कर रहा? एक चमत्कार है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रार्थना करने वाले के लिए सब कुछ होता है। प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया। जा सकते, बहुत बड़ी गवाही। गांठें गायब यीशु के नाम में। पवित्र कर दूंगा। आइए गवाही सुनेंगे। पास्टर जी भाई बता रहे हैं कि इनके और इनके बेटे की नाक में और माँ की नाक में से पिछले 2 दिन से लगातार खून आ रहा था, और खून इतना ज्यादा आ रहा था कि वो बंद नहीं हो रहा था। मेडिसिन लेने के बाद भी बंद नहीं हो रहा था। हाँ। लेकिन जब आपकी फ्राइडे ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया, ये बता रहे हैं कि उनके नाक से खून आना उसी वक्त बंद हो गए यीशु मसीह के नाम से। अभी ठीक है? किसके? आपके आपके नाक से था? बहुत ज्यादा खून आता था। देखिए कितना ब्लड है, आप फोटो में देख सकते हैं। यीशु मसीह हमारा अनलिमिटेड खुदा नहीं है, वो जिंदा खुदा है। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु जिंदा है। देखिए आप गवाही दे रहे हैं, अभी तो नहीं नाक में आ रहा है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया। कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? 2-3 दिन से जी। लगातार हो रही थी, अभी ठीक है, जा सकते हैं। गवाही बहुत बढ़िया, ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। गवाही सुनेंगे, टेस्टिमनी। हाँ। अपोस्टल जी, सिस्टर जी बोल रहे हैं कि पिछले 10 साल से इनके कानों में से पासन निकलती थी, इन्होंने बहुत ज्यादा मेडिसिन ली लेकिन आराम नहीं पाया, और अभी प्रार्थना सभा अटेंड करने के बाद इनके कानों की पस बंद हो चुकी है, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। बड़े बड़े कम होंगे आज पाक रुदे, बड़े बड़े कम होंगे आज पाक रुदे, बड़े बड़े कम होंगे आज पाक रुदे, बड़े बड़े कम होंगे जपा करू दे बट। ताली बजाते नाचते हुए तारीफ करें प्रभु की। बोलो हालेलुया। कितने कितने टाइम से इसकी प्रॉब्लम थी? 10 साल से अपोस्टल जी। 10 साल कितने होते हैं? बहुत ज्यादा है। बच्चा पैदा होके बड़ा हो जाता है। बोलो हालेलुया। सिस्टर अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा पास्टर जी, मेरा जिंदगी बदल गया। तारीफ करो जोर से प्रभु की। मैं बहुत दुख उठाई कान के लिए, मैं बहुत दवा कराई। मैं गरीब आदमी, मैं सोचती थी कि कैसे मैं दवा कराऊं, मैं बहुत प्रॉब्लम में रही। लेकिन जो अगला जो महीना में नहीं आप प्रोग्राम करे, वही मैंने आप बोले कि देखो मेरे को जो जो देख लेगा उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे मिल नहीं पाई मगर आपकी चेहरा मैं देखी। जब चेहरा मैं देखी तो मैं तुरंत अंदर ग्रहण हो गया कि मैं चंगा हो चुका हूँ। पास्टर जी मेरे को एक बेटा की ब्लेसिंग दे दो, मेरे को प्लाट भी इधर से मिला है,
मेरे को काम भी चंगा इधर से हुआ है, मेरी लड़की को बीमारी इधर से खत्म हुआ है, एक बेटा बगैर मैं बहुत दुखी हूँ। जा, प्रभु ने तुझे ब्लेस कर दिया। गवाही सुनेंगे, बोलो हालेलुया। अपोस्टल जी, सिस्टर जी का नाम अमरजीत कौर है, ये कुराली से आते हैं। सिस्टर कह रहे हैं कि मुझे 4 सालों से लीवर की प्रॉब्लम थी। सिस्टर जी कह रहे हैं कि मैं जितनी दवाई खाती थी उतना ही मेरा दर्द और मेरी इन्फेक्शन बढ़ती जाती थी। हाँ। और सिस्टर जी कह रहे हैं कि मैं 1 साल से रमन हंस मिनिस्ट्री को एंजॉय किया और मेरे लिए 2 बार लेहंड प्रेयर हुई। सिस्टर जी कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था और मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मेरा लीवर बिल्कुल खत्म हो चुका था। और सिस्टर जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और मेरी लीवर की आज क्या हुआ, अब क्या हुआ, सिस्टर आज बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तारीफ करो, गवाही बहुत बढ़िया है। की प्रॉब्लम सी तुम्हारे लीवर च, की प्रॉब्लम सी? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਵਲ ਸੀ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਖਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? 2 ਵਾਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਅਭੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਚਰਚ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारीफ करो जोर से, परमेश्वर ने ब्लेस किया, जा सकते हो। और अपोस्टल जी, इनके 2 साल से इनके पैर में भी दर्द रहता था, इनके पैर में मोच थी, अभी अभी मोच भी ठीक हो चुकी है, यीशु के नाम से। भाग के दिखाओ, भाग के दिखाओ, प्रभु ने चंगा किया। अज पाकरु दे बड़े बड़े कम होण गे, अज पाकरु दे बड़े बड़े कम होण गे, अज पाकरु दे बड़े बड़े कम होण गे। अपोस्टल जी, इनके पास कोई काम नहीं था, घर में बहुत प्रॉब्लम थी। सिस्टर जी कह रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी थी और जैसे ही मैंने प्रार्थना को रिसीव किया, आज हमारा काम बहुत बढ़ चुका है यीशु के नाम से। और इनके बच्चों के कभी कभी फुल मार्क्स नहीं आए थे, सिस्टर कह रहे हैं कि मेरी बेटी के 95 मार्क्स आए हैं यीशु के नाम से। देखो बच्चों, सारी चीजें बस जीरो थी, सारी चीजें जीरो, काम भी जीरो, बच्चे भी जीरो, हर चीज जीरो। अब बच्चों के 95% मार्क्स आए हैं, ये बता रही हैं। लीवर भी ठीक हो गया, पैर भी ठीक हो गया, कारोबार भी ठीक हो गया। तारीफ करो प्रभु के लिए। मेडिकल में 95% मार्क्स आए हैं। ये बहुत बड़ी गवाही है। सिस्टर जा सकती, गॉड ब्लेस यू, प्रभु में स्ट्रॉन्ग रहना है। हालेलुया, गवाही सुनेंगे। अपोस्टल जी, सिस्टर जी बता रहे हैं कि बुखार इनके शरीर में से रच चुका था और इनके पेट में पथरी भी थी, और जब ये सुबह आए बहुत ज्यादा परेशान थे, अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पथरी का दर्द इनके पेट को छोड़कर जा चुका है यीशु मसीह। तारीफ करो जोर से, गॉड ब्लेस यू। पवित्र कर दूंगा, किसी को छू दूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, आपको यीशु ने छुआ ही नहीं अभी। मुझे यहाँ पर प्रभु छू रहा है, मेरा मैं ऐसे जंप कर रहा हूँ आत्मा में। कुछ लोग यहाँ पर शायद वैसे ही आए हैं, यीशु को छूने के लिए नहीं आए हैं, आत्मा में परमेश्वर की तारीफ करनी। बोलो हालेलुया, आइए गवाही सुनेंगे प्रभु। हमारे पास बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से इनके पास कोई भी काम नहीं था, जिसके कारण इनके घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी और माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था। बस ये बता रहे हैं कि जब आपने, सब लोग बैठ जाओ, हाँ, जब आपने अनॉइंटेड रुमाल के लिए प्रार्थना करके कलीसिया में बांटे, तो ये बहन ने वो रुमाल लिया, अनॉइंटेड हैंकी लिया, हैंकी ले जाकर अपने घर में रखा। अब ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उस अनॉइंटेड रुमाल की हुई प्रार्थना से इनको नई दुकान की आशीष दी है। तारीफ करो, रुमाल वाली गवाहियां बहुत ज्यादा आ गई। बोलो हालेलुया। कितने लोग रुमाल लेके गए थे, एक एक और गवाही आने के लिए जा रही है। जितने भी लेके गए, मैं आपको बोल रहा हूं, आमीन छोटा है, गवाही भी छोटी होगी। अगर आमीन बड़ा है तो गवाही भी। आइए सुनेंगे गवाही। अपोस्टल जी, सिस्टर जी बोल रहे हैं कि 10-15 साल से इनको खांसी की प्रॉब्लम थी, इनको बार बार खांसी आती थी, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया, लेकिन चंगाई नहीं पाई। आज चर्च अटेंड करने के बाद इनकी 15 साल की खांसी इनके गले को छोड़ के जा चुकी है। और सिस्टर जी बोल रहे हैं, अपोस्टल जी, सिस्टर जी बोल रहे हैं कि इनके कान में से पस निकलती थी, वो भी स्टॉप हो चुके यीशु मसीह के नाम से। खांसी कितने टाइम से थी? 15 साल से।
चर्च बोलो 15 साल एक दिन खांसी हो जाए बक्कियां चढ़ जाती हैं। 15 साल से स्ट्रगल कर रही थी। हाँ जी। कैसा लग रहा अभी? बहुत बढ़िया। खांसी चली गई? हाँ जी। दवाइयां तो बड़ी खाई होंगी? हाँ जी बहुत खाई। लेकिन बड़ी आज बड़ी दवाई मिल गई? हाँ जी। कान ठीक हो गए? हाँ जी। प्रभु ने बहुत ब्लेस करना है। आमीन। जो गॉड ब्लेस यू। अगली गवाही सुनो। ताली बजाया करो सब लोग, ताली बजाया करो। आइए गवाही सुनेंगे। अपोस्टल जी, सिस्टर कुलविंदर है, लुधियाना से आते हैं। सिस्टर जी कह रहे हैं कि एक साल से मुझे 3 बार पैरालाइज के अटैक आ गए, और सिस्टर जी कह रहे हैं कि मुझे दुष्ट आत्मा भी बहुत तंग करती थी। 2 साल हो गए इनके हस्बैंड को लेके फिरते हुए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे जब चर्च में आई सिस्टर, कैसे इनकी हालत थी, और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, दुष्ट आत्मा जा चुकी है, पैरालाइज का अटैक बिल्कुल ठीक हो चुका है। देखो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको उठा के लेके आए थे चर्च में, बता रहे हैं पैरालाइज था, लेकिन इसके ऊपर प्रेयर हुई, आज परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से चंगा कर दिया है। ब्रदर अपने मुंह से बताएं इसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही थी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। जदो इनू प्रॉब्लम होंदी सी की समस्या आंदी सी तुहानू? हाथ मुड़ जांदे थे जी, हाथ मुड़ जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। और अखड़ जांदे थे, बिल्कुल डेड हो जांदी थी, बिल्कुल डेड की तरह हो जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ पर आते रहे? कितने टाइम से आ रहे हो? काफी थोड़े टाइम हो गया उनके निशानों। ओके, कुछ महीनों से आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और प्रभु यीशु ने अब इनको पूरी तरह चंगा कर दिया। हाँ जी, हाँ। अभी बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। कहाँ से आ रहे हो? दराए कोलो पेंट पठड़ा। विश्वास में बने रहना, परमेश्वर कह रहे हैं आने वाले दिनों में काम काज की बरकत खुलने के लिए जा रही है। आमीन। प्रभु कह रहे हैं काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, पैसे की तंगी है घर में। परमेश्वर कह रहा है दिसंबर महीना खत्म होने से पहले पहले बरकत आ रही तेरे घर में। आमीन। जा सकता है, प्रभु ने ब्लेस किया। बड़े बड़े कम हो जी, ये इनका बच्चा है, और इस बच्चे के हर साल सारी बॉडी में बहुत ज्यादा फोड़े, बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे। हाँ। जिसकी वजह से सिस्टर कह रहे हैं कि मैंने बहुत दवाई। हाँ। और जब से ही चर्च में आई और अनॉइंटिंग ऑयल लगा रही हूँ, मेरे बच्चे के सारे फिंसी फोड़े खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम से। बच्चे को फोड़े होते थे, दिखाओ जरा कैमरे में, फोड़े होते थे और बहुत ज्यादा। ये देखो स्क्रीन के ऊपर, देखो उसका हाल देखो। ये कौन चंगा करने वाला है? कौन चंगा करने वाला है? आवाज नहीं आ रही आपकी, कौन चंगा करने वाला है? यीशु। देखो किस तरह से प्रभु ने चंगा किया। अभी लेटेस्ट दिखाओ बेटा कैमरे में, दिखाओ थोड़ा क्लोज, ये देखो लेटेस्ट दिखाओ। अपोस्टल जी, इन्होंने बहुत दवाई लगाई लेकिन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अनॉइंटिंग ऑयल लगाने से देखो कितना फर्क पड़ चुका है यीशु के नाम से। बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से, तारीफ करो। जा सकते हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वड़े वड़े कम होन, अज पाक रुदे वड़े वड़े कम होन, अज पाक रुदे नमे नमे कम होन। आइए गवाही सुनेंगे। अपोस्टल जी, हमारे पास बहुत बड़ी गवाही है। सिस्टर पटियाला से आए हैं और बता रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो ये गवाही में शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इनके इतने बड़े बड़े काम जो रुके हुए थे, और इनके इतने इतने बड़े प्रॉब्लम्स जो इनके ऊपर पड़ गए थे, लेकिन आपकी घोषणाओं से, आपकी प्रोफेसी को रिसीव करने से ये बता रहे हैं आज एक खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। इनकी सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुकी हैं। कितने समय तो प्रभु विच चल रहे हैं? कितना समय हो गया? 1 साल हो गया फास्टर जी। हाँ जी, 1 साल हो गया फास्टर जी। 1 साल दे विच की परिवर्तन देखिया? बहुत ज्यादा, जो नहीं भी हो सकता सीगा ओ भी परमेश्वर ने किता। मैं इन्ने के मतलब ऐसे परेशान चल रहे सीगे, मैं इन्ना रोंदी सी घरे बैठ के कि मैं चर्च जाना, मैं चर्च नहीं जा पा रही, इन्नी परेशानियां चल रही सीगा। पर मैनू ऑनलाइन मैं जरूर सुनती सी, फ्राइडे ऑनलाइन सुनिया मैंने, संडे फिर मैं शम्मी ब्रदर जी ने गल की, असि बहुत परेशान हाँ। इन्होंने कहा कि पास्टर जी तक, मैं क्या मेरा स्नेहा पहुँचा दो, तो ब्रदर जी ने कहा कि भी हाँ, पास्टर जी ने प्रे करती। उस तो अगले दिन ही नैक्सट डे कितने तो साढ़े गेड़े लग रहे थे कि असं परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। पास्टर जी ने जो तुम प्रे की सब कुछ हो गया, उस तो अगले दिन ही हो गया। विश्वास विच बने रहना जी। परमेश्वर कह रहा 2022
थोड़े लिए बहुत अच्छा होगा। आमीन, आमीन। कुछ चीजें हैं शैतान ट्रबल करने के लिए जा रहा है जी, लेकिन परवाह नहीं करनी है जी, शैतान रोकेगा आपको जी, लेकिन जो मैंने प्रोफेसी की है प्रभु कह रहा है पूरी होने के लिए जा रही है। आमीन। ब्लेस हो गए आप। हाँ बोलने को जल्दी बोलो जल्दी। पास्टर जी थोड़ा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी ब्रदर दी, मेनू प्रे और ब्लेसिंग दी बहुत जरूरत है। प्रे टॉपिक लिख के दे देना अपना जी। थैंक यू। लिख के दे देना। ताली बजा के तारीफ करे करो। ये देखो यहाँ पे ना कुछ भाई बैठे हैं। अब भाई अभी तो जनवरी महीना है, अभी तो ठंड है ही नहीं, अभी ऐसे करके बैठे हुए देखो, अभी तो दिसंबर महीना आना है। सुनो प्रभु के लोग पता कैसे हैं, जितनी सर्दी होगी जितनी गर्मी होगी उतनी आराधना करेंगे। हम नहीं डरते गर्मी सर्दी से, हम नहीं डरते। मैं बोल रहा हूँ बारिश, मेरे ऊपर बारिश बरसा दो, ठंड में खड़ा करके पजामा कुर्ता डाल के खड़ा कर दो, काम करने वाले बंदे हम प्रभु की। ठीक है सुनो, जैसा पास्टर होता है वैसी उसकी कलीसिया होती है। बोलो हालेलुया। ताली बजाया करो, प्रभु की सेवा करया करो, ओदी महिमा करया करो। अज पा करो दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पा करो दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पा। आइए गवाही सुनेंगे। अपोस्टल जी सिस्टर जी बोल रहे हैं कि 5-6 साल से, 5-6 साल से इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, इनके कंधों में 2400 घंटे पेन रहता था, और अभी प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक ने इनको छुआ और ये चंगाई पा चुका है यीशु मसीह के नाम से। क्या क्या कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? 5-6 साल से पास्टर जी। 5-7 साल से? हाँ जी हाँ। सर्वाइकल दी प्रॉब्लम? हाँ जी हाँ। मैं काम करने की बहुत प्रॉब्लम आ, काम करने से दिक्कत सी। हाँ जी हाँ। किन्नियां मेडिसिन खादियां? बहुत खादियां जी, फिर मैं छाड़ती हूं जी, मगर हुन मैं खानी है नहीं। चर्च कितने टाइम तो आ रहे हैं सर? मैनू 3 महीने हो गए जी। 3 महीने विच की फर्क पिया? बहुत फर्क पै गया जी, मैं 2 बार आई चर्च विच। आप 2 बार आए हैं? हाँ जी हाँ। और 2 बार में क्या हुआ? बस ठीक हो गई जी, चर्च आने विच। तारीफ करो जोर से। अज पा करो दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पा करो दे वड्डे वड्डे कम होणगे। थोड़े ते प्रोफेसी कर लगा, थोड़े ब्याह च कोई भी ना नचे, थोड़े ब्याह च कोई ना नचे। बोलो हालेलुया। सारे थोड़े ब्याह ते इदां जान। परमेश्वर के घर में दाऊद की तरह आराधना करना है। बाइबल में लिखा 6 दिन अपना काम, 7वें दिन प्रभु का काम। तारीफ करो, ताली बजा के। अज पा करू दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पा करू दे वड्डे वड्डे कम होणगे। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की गवाही सुनेंगे। अपोस्टल जी सिस्टर जी की लेफ्ट वाली ब्रेस्ट में बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी। हाँ। और सिस्टर जी कह रहे हैं कि मैं गांठों से बहुत परेशान थी और 3 महीने मुझे चक्कर भी आते रहे। सिस्टर जी बोले डॉक्टर भी जवाब दे रहे कि पता नहीं क्या हो रहा है, और सिस्टर जी कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने प्रार्थना को रिसीव किया मैं लगातार संगति में आ रही हूँ, और सिस्टर कह रहे हैं कि मेरी गांठें आज बिल्कुल गायब हो गई। तारीफ करो। हम कम होंगे बोलो हालेलुया। किन्ने किन्ने टाइम तो तानू प्रॉब्लम सी? जी मेरे रसौली थी 2.5 महीने थे। हुन ठीक है तुसी? हाँ जी। तारीफ करो जोर ना जा सकते हैं, बहुत बड़ी गवाही है। गवाही सुन गए। अपोस्टल जी लगातार फैमिली प्रभु की हजूरी में आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही है। इनके ब्रदर आपकी प्रार्थना से बाहर चले गए लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था, और आपकी प्रार्थना से फ्राइडे लाइव सुनने के द्वारा परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छा काम दे दिया है, और ये 10 मास लेके प्रभु की हजूरी में आए हैं और आपके लिए धन्यवाद की भेंट दे रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाओं से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां इनकी जिंदगी में पैदा हो रही है। तारीफ करो चर्च जोर से। बड़े बड़े काम होंगे, बोलो हालेलुया। ये देखो देखो भैन पैसे लेके आई है, पैसे लेके आया करो, बहुत जरूरत है, ब्रांचा होर भी खुल दिया जा रही हैं। दान ज्यादा तो ज्यादा देना सी प्रभु दे काम वास्ते। बोलो हालेलुया। उसको पता है खाली हाथ नहीं जाना है। बोलो हालेलुया। पैसे का काम उसी का होगा जो प्रभु को दान देगा। बोलो हालेलुया। एक चीज बताना चाहता हूं,
जब शाऊल की गदियां खो गई थी, बाइबल कहती है शाऊल की गदियां खो गई, तो सैमुअल के पास वो जाने लगे थे। वो सैमुअल को बोलने, शाऊल कहने लगा सैमुअल के पास जाना खाली हाथ कैसे जाएं, उसके नौकर के पास सूखी रोटियां थी, बोला सूखी रोटियां नबी के पास लेकर जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकते हैं, नबी के पास जाना खाली हाथ नहीं जाना है। सो परमेश्वर के घर में जब आप दान दशमांशों के साथ आते हो, प्रभु खुश होता है और आपको ब्लेस करते हैं। तारीफ करो, गवाही सुनेंगे। हाँ अपोस्तल जी, ब्रदर जी को 2 साल से खूनी बवासीर थी और ब्रदर जी कह रहे हैं कि मुझे बैठने उठने में बहुत प्रॉब्लम थी, और जैसे ही अभी मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और ब्रदर जी कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया कि मेरी बवासीर खत्म हो चुकी है। तारीफ करो, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, जा सकते हैं। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को यहां चंगाई मिल रही है, परमेश्वर की महिमा है। तारीफ करो, ताली बजाकर जोर से। हमारा यीशु मसीह जिंदा है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला, बोलो हालेलुया। अपोस्टल जी, सिस्टर ने गवाही में लिखा है कि 26 साल से इनकी पूरी बॉडी में पेन था, घुटनों में पेन था, और वॉलंटियर्स के कहने पर इन्होंने मेडिसिन भी छोड़ दी थी, और आज परमेश्वर का बड़ा चमत्कार हुआ, 26 साल के जॉइंट पेन इनकी बॉडी को छोड़ के जा चुके हैं। 26 साल पर मोण के आज पा करू दे बड़े बड़े काम होण के, थानू चार्ज रखने वास्ते मैनू नचना पैंदा, मैनू भी डांस करना पैंदा, बोलो हालेलुया। मैं एक चीज बताऊं, वाक्य में हमारे पंजाबी आराधना में थोड़े ढीले हैं, खाने पीने में बड़े तकड़े, लेकिन जब आराधना में तकड़े हो जाओगे तो किसी चीज की कमी भी नहीं रहेगी, बोलो हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, मैं जितनी प्रभु की आराधना करता हूं प्रभु मुझे भी बरकतें देता जा रहा है, बोलो हालेलुया। प्रभु ने मुझे बताया है आने वाले दिनों में इस कलीसिया को खुदावंद बहुत ब्लेस करेगा, बहुत ज्यादा। बहन को कितने सालों से, 26 ईयर से, 26 साल, एक दिन दर्द हो ना तो बंदा तंग दुखी हो जाता है, एक दिन दर्द हो तो परेशानी पर परेशानी हो जाती, 26 साल थोड़े नहीं होते, कितने लोगों को समझ आ रही है। लेकिन मेरा यीशु मसीह 12 साल के रोगों को भी चंगा करता है और 26 के और उससे ज्यादा भी करता है। आमेन। विश्वास बढ़ा तो बरकत बढ़ी, ताली बजाओ और परमेश्वर की तारीफ करो, गॉड ब्लेस यू। और अपोस्टल जी, ये सिस्टर बोल रहे हैं कि मुझे बवासीर की प्रॉब्लम थी 1 साल से, वो अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाई है। बेटा दर्द हो रहा था जब अब आए थे, दर्द हो रहा था, यस, अभी दर्द चला गया है, आपने महसूस किया ठीक हो गई है, जा सकते हैं, बहुत बड़ी गवाही है। बड़े बड़े कम होंगे, गवाही सुनेंगे। अपोस्टल जी, ब्रदर जी कह रहे हैं कि मंगलवार को मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और प्रभु ने मुझे बचाया, मुझे प्रभु ने हाथ देके बचाया क्योंकि मैं प्रभु के घर में बहुत सेवा करता हूं। और ये ब्रदर जी कह रहे हैं कि मेरे भाई का कभी वीजा नहीं आता था, मैंने कई दिन ट्राई किया, कई सालों से ट्राई कर रहा हूं और मैंने प्रार्थना को जैसे ही रिसीव किया और मेरे ब्रदर का वीजा आ चुका है। तारीफ करो, तारीफ। और अपोस्टल जी, ब्रदर जी बोल रहे हैं कि प्रभु ने मेरे भी इतने काम खोले कि आज मेरे पास बहुत सारी जॉब है। तारीफ करो, तारीफ, गॉड ब्लेस यू बेटा, प्रभु में बढ़ते रहो। बड़े बड़े कम होंगे, अच्छे पास रुदे बड़े बड़े कम होंगे, अच्छे पास रुदे बड़े बड़े कम होंगे। और जी, मेरे पास बहुत बड़ी गवाही है, सिस्टर बता रहे कि 10 साल से इन्हें एक प्रेत तंग करता था, दुष्ट आत्मा थी इस बहन में, जिसकी वजह से इनके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता था और इन्हें पता नहीं चलता था कि इनके शरीर में क्या हो रहा है, ये एकदम आलमाल हो जाते थे। लेकिन जैसे ही अभी आपकी प्रार्थना को रिसीव किया, घोषणा को रिसीव किया, बहन बता रहे हैं मैं बहुत ज्यादा खेलती थी, दुष्ट आत्मा मेरे सर पे रहती थी, लेकिन अभी घोषणा के दौरान मैं आजाद हो चुकी हूँ, 10 साल पुराना दुष्ट आत्मा इसको छोड़ के जा चुका है के नाम से। अभी ठीक है बेटा, अभी ठीक है। की हुंदा सी जदों दुष्ट आत्मा सी, की हुंदा सी? 10 साल से मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत सिर में चक्कर आकर गिर जाती थी, पर अभी मेरे को बहुत महसूस हुआ, मैं बहुत ठीक हूँ। तारीफ करो जोर से, परमेश्वर ने इविल स्पिरिट से आजाद किया। तारीफ करो, दे बड़े बड़े काम गवाही सुनेंगे। सिस्टर के 2 महीने से आंखों में पानी बहता रहता था और सिस्टर जी बोल रहे हैं कि अभी मैंने प्रार्थना को रिसीव किया,
बेटा आंखों से पानी आता था? हाँ जी पापा जी। अभी अभी ठीक है? हाँ जी। कितने टाइम तो आ रहे हैं? दो महीने तो। लगातार? हाँ जी। हुण की होया मीटिंग दे दौरान? जा तुसी प्रार्थना कीती अखां पर मैं देखत लिया तो उसे वक्त ठीक हो गई। गॉड ब्लेस यू। अच्छे पाक रु दे बड़े बड़े कम होण गए, अच्छे पाक रु दे बड़े बड़े कम होण। गवाही सुने गए पत्नी पैन की गवाही है कि पिछले 1.5 साल से इनकी पूरी टांग में दर्द रहता था और ये बता रहे हैं बहुत सारी दवाइयां खाई, मेडिसिन का इस्तेमाल किया, लेकिन आज जब परमेश्वर की हुजूरी में आई, आपने घोषणा की कि जहां कहीं भी दर्द है अपना हाथ रखो, बहन ने हाथ रखा और इसी इसकी टांग का दर्द यीशु मसीह के नाम से चला गया। अच्छे पाक रु दे बड़े बड़े कम होण गए, अच्छे पाक रु दे बड़े बड़े कम। बोलो हालेलुया। मैंने सिर्फ एक प्रार्थना की और देखो कितनी गवाहियां आ गईं। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 01605008000।